मुबारक हो जी। हैप्पी एनिवर्सरी मंजीमा। थैंक यू सनम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। राम जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों पर बना रहे। थैंक यू। समधि जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हम यहाँ हैं समधि जी। की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बढ़ के पापा। अब आपने दूध पी लिया है ना, अभी देखना आपको एकदम गहरी मस्त वाली नींद आएगी। और मिसेज युग चौधरी, हमारी प्रिंसेस कैसी है? गौरी बिल्कुल ठीक है बड़के पापा। ठीक तो होगी। सुना है चौधराइन अपने नौकरों को बहुत अच्छी तरह से रखती है। तुमसे बात करनी है। समझी? हाँ? क्या बात कर रही हो माँ? और नहीं तो क्या? वैसे राम जाने सच क्या है? माँ जी बोलती है प्रेत बात है। वो लोग बोलते हैं बहन की बीमारी है। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। तुम्हें पता है घर से निकलते निकलते माँ जी हमें बुला के क्या बोली? क्या? कि युग और काली को एक दूसरे के बिल्कुल करीब मत आने देना, कड़ी नजर रखना उन पे। याद है कि दोनों साथ में तो नहीं है? क्या है? एक बार ये माँ जी ना हमको जासूस बना के छोड़ेंगी। समझी? ये समझाएं। चलो चलो। एक बार सेना साहब स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सब कुशल होंगे? बिल्कुल। अरे मंजरी यहाँ आओ, सिन्हा साहब से मिलो। हमें और भी काम है, हम कुछ इंतजाम देख रहे हैं। सिन्हा साहब हम आते हैं। जब आपको हमारी परवाही नहीं तो हम आपके दोस्तों को क्यों मिले आचार्य जी? और हम आपकी कोई ट्रॉफी या मेडल नहीं कि जब आप चाहेंगे आपके दोस्तों के सामने हम मुस्कुरा देंगे। और आप तो नहीं आने वाले थे ना इस पार्टी में, तो क्यों आए? क्योंकि हमारी इजाजत के बगैर यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तुम्हें परवाह हो ना हो लेकिन हमें तो है,
अपने घर की इज्जत की। अगर हम यहां नहीं आते तो लोग बातें नहीं बनाते क्या? आपको हमेशा से इन्हीं की तो परवाह रही, हमारी तो की नहीं। अगर तुम्हें हमारी परवाह होती तो हमारी कौरी वह नौकरानी बन के नहीं रह रही होती। युग, हमारा फोन नहीं मिल रहा, गाड़ी में तो नहीं रह गया? गाड़ी तो मैंने चेक की थी, उसमें नहीं था। अच्छा, तो शायद घर में रह गया होगा, हम जाकर लेकर आते हैं। चाची जी, अभी आप पार्टी एंजॉय करिए ना, लीजिए हमारा फोन यूज कर लीजिए। नहीं, वो क्या है ना कि हमारे फोन से फोटोज अच्छी आती है, हमें तो हमारा ही फोन चाहिए। हम ड्राइवर के साथ जाके ले आएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। समझे कि समझाए? ये जो तुम्हारा काला साया वाला प्लान था ना, वो एकदम ऑसम था। वेल डन। भाई हम थोड़ी थे, हमको लगा आप हो। हम? हम तो थे नहीं। एक सेकंड, अगर तुम नहीं थे, अगर हम नहीं थे तो फिर काला साया? खाना खाया? हाँ।
अब ठीक है। कल ही एक एक्स्ट्रा लग गया। मंजी माँ, ये विश कैंडल है आपके और बड़के पापा के भविष्य के लिए। मंजी माँ, बताइए ना, बात क्या है? कुछ नहीं सुना मंजी माँ। वो हमने और युग ने आपको और बड़के पापा को लड़ते हुए देखा। सुना, इतने सालों बाद थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है ना, नॉर्मल है। मंजी माँ, हमसे मत छुपाइए ना। शर्मिला दीदी बता रही थी कि बड़के पापा गौरी को लेकर आपसे अपसेट है। हाँ सुना, पता नहीं क्यों आचार्य जी को ऐसा लग रहा है कि जो भी गौरी के साथ हो रहा है उसकी वजह हम हैं। मंजी माँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों साथ बैठकर सुलझा लीजिए ना। सालों बाद आप दोनों मिले हैं, सालों बाद आपका रिश्ता वहां है जहां उसे होना चाहिए था। अब प्लीज इसे खराब मत होने दीजिए ना। पूरा घर अच्छे से छान मार, हम दोनों के अलावा और कोई है तो नहीं ना? कहाँ हुआ? दादी, दादी तो यहीं पे थी ना? दादी को सही में भूतवा उठा के ले गया का? Shut up! ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है तो कैसा है? पूरे घर में हम दोनों के अलावा और है ये कौन? What crap यार, ऐसा कुछ नहीं होता, बोला ना एक बार। कोई भूतवत नहीं है, गारू जैसी बातें मत किया कर। गौरी, बिजली! ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। चाची जी, ओके, चलो, सस्पेंस क्लियर हो गया। चाची जी हैं घर में, चले, चलो। ओ माय गॉड, क्या हुआ दादी को? ड्रामा कंपनी, इसका जवाब तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। दोनों महारानियां कब से आवाजें लगा रहे हैं? हम तो यहीं थे। यहीं पे थे तो क्या कान में रुई ठूस रखी थी जो हमारी आवाज नहीं सुनाई दी? रुई नहीं, ईयरप्लग कान में डालकर हम गाने सुन रहे। इसलिए छोड़ के गए थे हम तुम दोनों को यहाँ पर, ताकि जब हम लौट के वापस आए तो माँ जी को ऐसे बेहोश पाए। देखो तो माथा जल रहा है इनका। अभी काली को फोन करते हैं, वो ही आगे संभालेगी इनको। फोन लगाओ तुम काली को। चुलबुली चाची ने तो एकदम गाढ़ा रंग पहना है, और हम जो साए को देखे थे वो तो काला कपड़ा पहना था। ये कैसे हो सकता है? ए, तुम क्या गोबर गणेश की तरह सर पे खड़ी हो? जाओ जाके पानी लेकर आओ। ठंडा है साला, पड़ भागे खींच के। समझ गए, तुम जल्दी फोन लगाओ। आंखें खोलिए ना माँ जी। गौरी का फोन आ रहा है, लगता है वो आप दोनों को विश करना चाहती है। पहले से बात कर लेते हैं। हाँ, फोन पे लगाओ। हेलो काली, जल्दी से घर आ जाओ, दादी जी को बहुत बुखार आ गया, उनकी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। परी, हमें जाना होगा। माँ जी का ख्याल रखना। मंजी माँ,
हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये पार्टी ही खत्म होती है, क्योंकि हमारे संधि जी की माँ की तबीयत खराब हो गई है। क्षमा कीजिए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काली का, काली को बुला। वो नहीं रहते है तो प्रीत आत्मा का प्रकोप बढ़ जाता है। ओके बुला। माँ जी, हमने उसको फोन कर दिया है, वो लोग रास्ते में हैं, पहुँचते होंगे। ओके बुला। अभी का अभी। माँ जी, आप बोल दिए हैं। अभी बुला। माँ काली, 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 तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी हमारे पास। हम तुमको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, कहीं नहीं जाना। हम कहीं नहीं जाएंगे दादी जी। हाँ दादी, कली कहीं नहीं जाएगी, पर हुआ क्या है? कली जब हमारे साथ नहीं रहती है तो प्रेतात्मा का प्रकोप बढ़ जाता है। कहीं नहीं जाओगी? दादी जी, आप शांत हो जाइए, पहले आप आराम कीजिए। यही नहीं है। हम ना एक फिल्म में देखे थे, नाम का याद नहीं, उसमें ना हीरो कहता है ना, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत। दादी आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पे। न जाने कौन जन्म का पाप है जो इस सजा मिल रही है हमको। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पता नहीं भूतवा का है हमारे पीछे पड़ा। दादी जी, आपने कोई पाप नहीं किया, अगर किया होता तो आपको इतना प्यारा परिवार मिलता जो आपसे इतना प्यार करता है। देखिए सब आपकी कितनी चिंता करते हैं। हाँ माँ जी, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं, और खास करके हम, देखिए ना, इसीलिए तो भगवान ने समय रहते हमको यहाँ भेज दिया, वरना इन दो निकम्मों के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता। माजी, अब आप ना दवा खा लीजिए और आराम करिए। हाँ दादी जी, आप दवाई ले लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। हमको नहीं खाना कोनो दवाई हो। दादी, दादी प्लीज ले लीजिए ना। आइए उठिए थोड़ी। थोड़ी सी को इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, अभी आप सो जाइए। कोई जाना नहीं बोल पता है, हाथ पकड़ के दूर करो। रहने दो, तुम्हारे हाथ दुखेंगे। पर दुख तो हमें दादी जी को इस हाल में देखकर हो रहा है। दादी जी इतनी परेशान है और हम इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे, बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है। खैर आप जाकर आराम करिए, आप थक गए होंगे ना। पहले उस गौरी और बिजली की क्लास लेनी होगी। रहने दीजिए ना युग, उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया उन्होंने? मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गया था दादी को। युग, अब तो हमें भी यकीन हो चुका है, जरूर कोई है जो दादी जी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गाने सुनने के लिए छोड़ के गया था तुम दोनों को यार। और तुम, तुमने जिम्मेदारी ली थी ना, जब निभा नहीं सकती तो क्यों ली? युग, ये बात सही है कि हम गाने सुन रहे थे, पर ट्रस्ट मी, हमारा पूरा ध्यान दादी जी पे था, पर फिर पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। और जस्ट शट अप, मैं कली नहीं हूं जिसका तुम जब चाहे फायदा उठा सकती हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब नाटक के पीछे तुम ही हो।
बस सबूत नहीं है मेरे पास, पर जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी किसी को तकलीफ पहुंचाने की। द प्रॉब्लम इज मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वरना कब का उसकी असलियत सबके सामने ले आता। कल एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम गौरी पे यकीन करती हो? आई, हम गौरी पर यकीन करते हैं, हम मानते हैं कि गौरी से भूल हुई है, उसने ध्यान नहीं दिया, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे गौरी का हाथ है ये हम नहीं मान सकते, और कोई सबूत भी तो नहीं है। पछताओगी तुम, फिर बोलना मत मैंने वार्निंग।